सो गाइस मेरे पास है सैमसंग की तरफ से आने वाला नोट 20 अल्ट्रा 5G का अनबॉक्सिंग करूंगा, क्विक अनबॉक्सिंग और इन डेप्थ में आपको बताऊंगा ये इंडिया में भाई 1,05,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये फोन कैसा है, नहीं एकदम इन डिटेल बताऊंगा बिकॉज भाई अभी तक का सैमसंग का सबसे ज्यादा फ्लैगशिप फोन है। लेट गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो अंकित गुरु चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना और इस वीडियो को छोटा सा लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। पबजी टेस्ट भी आने वाला एकदम मस्त वाला, तो उसके लिए अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद में फोन पे मिलता हूँ। सो गाइज ये है बॉक्स सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा 5G का। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है N20, यहाँ पे आपको S Pen का लोगो है एंड अगर साइड का बात करें तो साइड में आपको कुछ साइड में यहाँ पे आपको लिखा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G एंड बैक साइड में आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ आपको बार कोड्स एंड ऑल मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको कुछ है बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा तो ये सब का है और लेट्स अनबॉक्स करते हैं और यहाँ से एक बार देखते हैं भाई ड्रॉप करके ये खुलता है कि नहीं खुलता है। सो गाइज लेट्स अनबॉक्स करते हैं और ये डब्बा खुल गया और यहाँ पे देख सकते हो अपना फोन फ्रंट फेस में रखा हुआ है। सो फोन को निकाल के साइड में रखते हैं, देखते हैं इनबॉक्स आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ देख सकते हो काफी कूल लग रहा है फोन, पूरा स्टिकर वगैरह चिपका के है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ तो मिलता है, इसको खोलते हैं और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल आपको एक मिल जाता है और यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है एंड अगर फ्लिप करूँ इसको तो सो गाइस यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ आपको एक डाटा केबल मिल जाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो C-Type to C-Type आपको डाटा केबल मिलता है यहाँ पे और इसके अलावा आपको एक एयरफोन मिल जाएगा इसी के अंदर और ये भी आप यहाँ देख सकते हो ये भी आपको C-Type है और यहाँ पे आपको कुछ रबर टिप्स मिलता है एक्स्ट्रा। सो गाइस लेट्स बूट ऑन करते हैं, फर्स्ट बूट हम लोग देते हैं फोन को एंड यहाँ पे आ गया सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G पावर्ड बाय एंड्रॉइड एंड नॉक्स सिक्योरिटी के साथ आता है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले सारा सेटअप किया हुआ था, बस हम लोग को ऑन करना था और यहाँ पे देख सकते हो कि फोन का लुक कैसा लग रहा है। सो गाइस आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करता हूँ। तो नीचे की तरफ आपको एक एस पेन का जगह मिल जाएगा और ये एस पेन काफी ज्यादा खास है इस नोट सीरीज में। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, C-Type पोर्ट मिल जाएगा, एक आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको सिम कार्ड स्लॉट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा। साइड की तरफ इस तरफ कुछ भी नहीं है और दूसरे साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाएगा और पावर लॉक मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले का बात करें तो 6.9 डायमेनिक एमुलेट 2K डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है WQHD और अगर पिक्सल का बात करें तो 3200x1440 पिक्सल आपको मिल जाता है और स्क्रीन तो भाई मजा आता है बहुत चलाने में बिकॉज में आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है तो गेमिंग वगैरह में एकदम भयंकर वाला परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। इस बार जो आपको पीछे में जो ग्लास मिलता है गोरिल्ला ग्लास, ये पहले वाला से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया हुआ है। जब आप नॉर्मली यूट्यूब चलाओगे या फिर आप गेमिंग करोगे तो आपको डिस्प्ले में काफी ज्यादा मजा आएगा या फिर आप जब भी वीडियो वगैरह स्ट्रीम करते हो या फिर आप वीडियो वगैरह अगर आप देखते हो ना, एक अलग लेवल का साउंड जो है साउंड भी बहुत अच्छा है, आपको इसमें डॉली स्पीकर मिलता है एंड वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आता है 4K में अगर देखते हो तो। अगर हार्डवेयर और प्रोसेसर का बात करें तो एक्जीनोस 990 आता है, इसमें LPDDR5 का 12GB रैम आता है जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलने वाला है। इसमें आपको 256GB इंटरनल आता है और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 1TB तक, मतलब समझ रहे हो आजकल का टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गया, आप 1TB एकदम एक्सपेंड कर सकते हो इसमें। इसमें आपको क्वालकॉम SM8250 और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का आपको 865 प्लस ऑक्टा कोर एड्रिनोस का आपको 650 मिलता है। अगर OS का बात करें तो ये एंड्रॉइड 10 पे आता है, UI 1.2.5 पे है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैमरा शेड्यूल बहुत तगड़ा है और तगड़ा के साथ साथ इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना तगड़ा वाला फोटोज वीडियोस लेता है भाई, 8K तक सपोर्ट करता है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग 4K सपोर्ट करता है, 60 फ्रेम में करता है, 30 फ्रेम में करता है। पहले तो बात करते हैं भाई सबसे आपका जो मेन कैमरा वो आपका 108 मेगापिक्सल का है, वो है 1.8 अपर्चर के साथ आता है। जो दूसरा कैमरा वो भाई 12 मेगापिक्सल का है 3.0 अपर्चर के साथ आता है। जो अपना तीसरा कैमरा है वो भाई आपका 12 मेगापिक्सल का है लेकिन वो 2.2 अपर्चर के साथ आता है।
और जो आपका फ्रंट कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का और काफी तगड़ा वाला फोटोज वगैरह लेता है। फोटोज एंड वीडियोस के मामले में भाई बहुत सही सीन है इसका। आपका 4K रिकॉर्ड करता है 60 फ्रेम पर सेकेंड में और आपको 1080p रिकॉर्ड करता है 30 फ्रेम पर सेकेंड पे। 8K शूट करता है ये 24 फ्रेम पर सेकेंड में। अगर सिम स्लॉट का बात करें तो यहाँ पे आप हाइब्रिड सिम लगा सकते हो, इसमें आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा सकते हो जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। 1 TB वाईफाई कॉलिंग है, 5G सपोर्ट है, ई सिम सपोर्ट करता है और इसमें जो वाईफाई आपको मिलता है वो 5.0 है। IP68 रजिस्टर्ड आता है, इसका मतलब आप इस फोन को बारिश में भी रख सकते हो, पानी में भी भिगा के रख सकते हो, 1-1.5 घंटा ऐसा कुछ है। और गाइस ये जो है वायरलेसली चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लस एक और प्लस पॉइंट है कि ये रिवर्स चार्ज भी सपोर्ट करता है। अगर गाइस अगर इसके एस पेन का बात करें तो भाई इस बार एस पेन में इतना खास फीचर दिया है। सबसे पहला बात तो भाई ये जो एस पेन है इसको एक्टिवेट मतलब इससे टच करने का जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो भाई 0.9 मिली सेकेंड है, मतलब वो बहुत ज्यादा कम होता है और बहुत मस्त आप इसको लिख सकते हो। और फीडबैक भी एकदम पेंसिल जैसा आता है कि लगता है कि भाई आप पेंसिल से लिख रहे हो। साउंड आप सुनो एक बार, मैं आपको यहाँ माइक के सुनाता हूँ तो एकदम पेंसिल वाला फीलिंग आता है। मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, मतलब साउंड भी आपको बहुत क्रेजी सा लगेगा। तो एकदम मस्त सा फीलिंग आता है और एकदम अगर मैं बोलूँ तो एकदम सॉलिड वाला फीलिंग है भाई। यहाँ पे आप एकदम पेंसिल वाला फीलिंग ले सकते हो। इसमें एस पेन का ये सिर्फ काम नहीं है, एस पेन बहुत ज्यादा काम करता है। कोई प्रोजेक्ट है जैसे कि आपको फोन का अगर फोटो को चेंज करना है या फिर फोटो क्लिक करना है, फ्रेम को ये करना है, तो बहुत सारा काम में बहुत सारे सिचुएशन में आपको ये काम आएगा। और गाइज यहाँ पे आप कैमरा बम्प अप देख सकते हो, कैमरा बम्प अप बहुत ज्यादा है लेकिन आप क्या करोगे भाई, कैमरा भी उसी तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल देता है। तो ऑब्वियसली कोई कवर कोई केसिंग तो जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इसका भाई प्राइस का बात करें तो भाई 1,05,000 रुपए ये इंडिया में आपको मिलता है। तो भाई प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, फोन तो भाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत अलग अलग फीचर्स मिलते हैं लेकिन भाई अब 1 लाख तो ऐसा हो गया है कि भाई हर एक भाई आईफोन भी भाई 1 लाख के ऊपर मिलता है। अब सैमसंग भी भाई 1 लाख के ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, अब लगता है भाई हर एक ब्रांड लगता है कि अब वो 1 लाख के ऊपर लॉन्च करने वाला है फोन सबको। तो अब ये मामूली हो चुका है इंडिया में लगता है 1 लाख रुपया का फोन भाई। सो गाइज अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो गिव अ थम्स अप, बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। और पबजी टेस्ट आएगा तो उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो अंकित गुरुजी, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।